हे गाइस वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यादव मुकेश राज एंड आप देख रहे हैं एमजी एडिट जॉन्स। सो गाइस आज के एडिटिंग में हम लोग कुछ ही स्टेप से न्यू वुलू टोन में फोटो एडिटिंग करना सीखेंगे और भी बहुत ही अमेजिंग ट्रिक के साथ। हो गाइस आज मैं आप लोगों को कुछ नया ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप भी अपनी फोटो में कुछ ही स्टेप से इफेक्ट आसानी से दे सकते हैं। तो गाइस इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखना एंड हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे ऐसा ही एडिटिंग से रिलेटेड आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ओके गाइस तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम अपनी गैलरी से एक फोटो ओपन कर लेनी है जिस भी फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। जैसे मैं अपनी गैलरी से इस वाले फोटो को ओपन कर चुका हूँ एंड इस फोटो को हम शेयर करेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन पे। तो गाइस शेयर करने के लिए सिंपल शेयर का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड हमारे फ़ोन पे जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल है यहाँ पे शो होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं लाइटरूम एडिट इन एल आर है, ठीक है। तो सिंपल इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देनी है तो डायरेक्ट हमारी जो फोटो है वो लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन हो जाएगी। तो गाइस फाइनली हमारी जो फोटो है वो लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन हो चुकी है एंड एडिट के लिए ऑप्शन आ चुके हैं। तो गाइस सबसे फर्स्ट जाएंगे हम एडिट का ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पर यहां पर क्लिक करेंगे एंड यहां पर कलर टूल पे जाएंगे, इस वाला आइकन पर यहां पर क्लिक करेंगे एंड यहां से व्हाइट टोन को हम मिनिमाइज करेंगे यानी कि एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर सबसे फर्स्ट में टेंपरेचर, तो टेंपरेचर की वैल्यू को यहां से हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो इसकी वैल्यू को करते हैं +25 एंड यहाँ से टेंट की वैल्यू को भी इंक्रीज कर देंगे। तो फ्रेंड्स टेंट की वैल्यू ज़्यादा नहीं यहाँ से करेंगे हम +8एंड यहाँ से वाइब्रेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे, ठीक है। तो वाइब्रेंस की वैल्यू यहाँ से करेंगे -18 एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, इस वाला आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड सबसे पहले स्किन टोन को सही करेंगे। तो उसके लिए जाएंगे हम सेकेंड वाले ऑरेंज कलर पे एंड ऑरेंज कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो सही लगे। तो इसे रखते हैं -12 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो थोड़ा और ब्राइट लगे। तो फ्रेंड्स इसकी वैल्यू को करेंगे हम +30 एंड नेक्स्ट जाते हैं येलो कलर पे एंड येलो कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ से कर देंगे हम -52 एंड यहाँ से इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को भी माइनस करेंगे। तो फ्रेंड्स इसकी वैल्यू को कर देंगे हम -100 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो फ्रेंड्स इसकी वैल्यू यहाँ से करेंगे हम +24 एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रीन कलर पे एंड ग्रीन कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को कर देंगे हम -100 एंड यहाँ से इसकी सैचुरेशन की वैल्यू भी करेंगे हम -100 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फ्रेंड्स इसकी वैल्यू को कर देंगे हम +61 एंड नेक्स्ट जाते हैं सियान कलर पे एंड सियान कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को कर देंगे हम -100 एंड नेक्स्ट जाते हैं ब्लू कलर पे एंड ब्लू कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी भी सैचुरेशन की वैल्यू को कर देंगे हम -100 एंड नेक्स्ट जाते हैं पर्पल कलर पे एंड इसकी भी सैचुरेशन की वैल्यू को कर देंगे हम -100 एंड नेक्स्ट जाते हैं पिंक कलर पे एंड पिंक कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी भी सैचुरेशन की वैल्यू कर देंगे हम -100 एंड इतना करने के बाद ऊपर से कर देंगे डन एंड नेक्स्ट जाते हैं मास्किंग टूल पे, इस वाला आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर ब्लू प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो हमें स्लाइड करते हुए नीचे आनी है एंड यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कलर रेंज का, तो गाइस इससे हमें क्लिक करनी है एंड सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे इसे सेलेक्ट करेंगे तो हमारे फोटो में कुछ इस टाइप से सर्कल आइकन में पॉपअप होते हुए दिखाई देगी। तो हमें अपनी फिंगर को इस सर्कल आइकन में टाइप करनी है और इसे स्लाइड करते हुए जिस भी एरिया को हमें कलर टोन देनी है उस एरिया में इसकी फोकस पॉइंट को रखेंगे, ठीक है। तो मैं इतना पे रखता हूँ एंड यहाँ पर रिफाइन के वैल्यू को एडजस्ट करेंगे ताकि जो हमारी फेस टोन है उसमें ये इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। तो चलिए मैं यहां से मिनिमाइज करके परफेक्ट करता हूं, तो इसे रखते हैं 33 एंड फाइनली अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। आपको भी इतना सक करना है एंड इतना करने के बाद जाएंगे हम कलर टूल पे, ठीक है। ये मास्किंग टूल के अंदर ही, ठीक है। तो कलर टूल यहां पर है तो इस पर क्लिक करेंगे एंड यहां पर स्लाइड करते हुए नीचे आएंगे, यहां पर कलर का ऑप्शन दिया हुआ है एंड इसका पार्ट है ह्यू एंड सैचुरेशन, ठीक है। तो कैसे करनी है, यहां पर हम अपने फिंगर को टाइप करेंगे और फिंगर को स्लाइड करते हुए इसकी ह्यू एंड सैचुरेशन को मिलाएंगे, जहां पर हमें जो टोन अच्छा लगे उसको हमें रखनी है। तो आज का टोन एडिटिंग के हिसाब से मैं इसकी वैल्यू को एडजस्ट करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसकी ह्यू है 216 एंड सैचुरेशन है 100 एंड ऊपर में सैचुरेशन का ऑप्शन है, ठीक है। तो इसकी सैचुरेशन को हम कम ज़्यादा करके देख सकते हैं और जैसे में हमारी स्किन टोन परफेक्ट लगेगी उतना में इसकी वैल्यू को रखना है, ठीक है। तो मैं इसे रखता हूँ -10
100 एंड यहाँ पर टिक का साइन है, यहाँ से कर देंगे डन। सो गाइस जो हमारी फोटो है वो कुछ ही स्टेप में काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है, लेकिन इस फोटो का हम और बेटर बनाएंगे, तो उसके लिए जाएंगे हम इफेक्ट का ऑप्शन पे, इस वाले आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को हम माइनस करेंगे, क्योंकि हमारी जो फोटो है वो फट रही है, तो हमारी फोटो हमें फटने नहीं देना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ से कर देंगे हम -21 एंड यहाँ से DH की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी फोटो है और एकदम रियलिटी लगे और हमारी फोटो में HDR इफेक्ट लगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को कर देंगे हम +18 एंड नेक्स्ट ऑप्शन है विनियट का, ठीक है। तो इस पर क्लिक करना है एंड इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से अमाउंट की वैल्यू को हम माइनस क्यों लिख जाएंगे, तो फ्रेंड्स अमाउंट की वैल्यू को यहाँ से कर देंगे हम माइनस, तो इसकी वैल्यू को कर देंगे हम -46 एंड यहाँ से मीट फंड की वैल्यू को भी डिक्रीज कर सकते हैं। तो देखना है अपनी फेस के लाइटिंग के हिसाब से इसकी वैल्यू को एडजस्ट करनी है, ठीक है। तो मैं इसकी वैल्यू को यहाँ से कर देता हूँ 28 एंड यहाँ से फैदर की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, तो फ्रेंड्स फैदर की वैल्यू को कर देंगे हम +71। अब हमारी फोटो को हम साइनिंग एंड स्मूथ करेंगे, तो उसके लिए जाएंगे हम डिटेल का ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से शार्पनिंग की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, तो इसे रखेंगे 20 एंड नेक्स्ट ऑप्शन है नॉइस एंड यहाँ से नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी फोटो है वो फट एंड स्मूथ रहे, तो इसे रखते हैं 25 एंड नेक्स्ट ऑप्शन है कलर नॉइस, तो इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से कलर नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी फोटो है वो फट एंड परफेक्ट स्मूथ रहे, ठीक है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं बिफोर हमारी फोटो कुछ इस टाइप से थी एंड आफ्टर कुछ इस टाइप से, तो गाइस आप लोगों को कुछ ऐसे ही स्टेप का यूज करके अपनी फोटो को आप बेहतर बना सकते हैं। तो मैं आपको वीडियो में टाइमिंग अनुसार बता रहा हूँ, यहाँ पर और लाइटिंग वगैरह को एडजस्ट करके अपनी फोटो को परफेक्ट एंड बेटर लुक दे सकते हैं, ठीक है। तो गाइस आज का एडिटिंग आप लोगों को कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो गाइस इस फोटो को सेव करने के लिए हमें शेयर को ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर सेव कॉपी टू डिवाइस पर क्लिक कर देंगे, हमारी फोटो गैलरी में सेव हो जाएगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।